सभ्यों का और राजा है तो राज्यों का, ठीक। अब इसके बारे में, इसे अपना एक गणराज्य है भारत देश, इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक चित्र में दिया हुआ पर बताया गया चुनाव का दिन, से हमारे यहाँ प्रधानमंत्री हों, मुख्यमंत्री हों, सभी राष्ट्रपति हों, उसमें चुनाव होता है, सभी में चुनाव होता है, चुन के ही हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक चुनते हैं, ठीक। इसी प्रकार से पहले राजा लोग होते थे, ठीक। अब राजा लोग प्राचीन समय में क्या था, राजा लोग होते थे, राजा लोग जो सबसे प्राचीन वैदिक जमाने में, वैदिक समय में जो राजा लोग होते थे उसमें प्रसिद्ध था अश्वमेध यज्ञ। एक यज्ञ होता था जो पुरोहितों के द्वारा कराया जाता था, इसमें अश्वमेध यज्ञ कराने वाले जो यजमान थे उनके पास एक घोड़ा होता था, वह घोड़ा छोड़ देता था, ठीक है। वह हर राज्य से होकर गुजरता था, जिस राज्य से होकर घोड़ा गुजर रहा है, अगर किसी को जिस राज्य से घोड़ा गुजर जाता था वह राज्य उनके अधीन मान लिया जाता था। अगर आपने घोड़ा रोका तो आप लोगों को चुनौती दी है और उसका चल रहे चरण से आपका युद्ध होगा, ठीक। अगर घोड़े को नहीं रोका तो आप उस यज्ञ में शामिल हो गए, आप उनके अधीन हो गए, ये माना जाता था कि आपने मौन स्वीकृति से उसको स्वीकार कर लिया है। यही लिखा हुआ है इसमें कि अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोग देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ जाता था, एक घोड़ा छोड़ दिया गया, ठीक। वह सभी राज्यों से होकर जा रहा है, अगर किसी को ऑब्जेक्शन है, सत्ता स्वीकार नहीं कर रहा है, तो वह घोड़े को रोकेगा और अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के साथ उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर घोड़ा नहीं रोका तो इसका मतलब आपने उनको सहमति प्रदान कर दी है या उनके अधीन रहना आपने स्वीकार कर लिया है। यह यज्ञ पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, इसके लिए उन्हें उपहार से सम्मानित भी किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था, कोई अब कोई वीर बचा नहीं जा रहे। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उपहार स्वरूप कुछ लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था, उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर यह राजा अपने गुणों का गान करता था, राजा के सगे संबंधी खासकर उनकी प्राणियाँ तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की प्रीति प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश जिसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हीं कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया करता था। इस यज्ञ में उपस्थित होने की सूची बनाओ, पेशे के आधार पर कौन कौन से वर्ग शामिल थे। अब क्या है, बहुत जरूरी चीज है वर्ण। इसमें उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ क्यों कहा गया, क्योंकि ये ऋग्वेद के बाद रचे गए लिखे गए। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं। जो चार वेद थे, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद, ऋग्वेद, में ऋग्वेद सबसे पुराना था। इसके बाद जो रचे गए उनको उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा गया। देखिए, पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, वे पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित वैभवशाली थे, वहाँ कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरे पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को चार वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं।
इनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन करना था और यज्ञ करना था, इसके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था, इनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। तीसरे स्थान पर विश्व या वैश्य थे, में कृषक पशुपालक व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था, इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। वह औरतों को भी शूद्रों के समान माना जाता था, महिलाएं और शूद्रों को वेदों के अध्ययन पर अधिकार नहीं था। सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी, भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी, जहाँ पुरोहितों का भी प्रभाव बहुत सीमित था। अब आते हैं जनपद। ये जरूर चुनाव जनपद। महायज्ञ करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। जन के बसने की जगह, सब पीछे पढ़ा होगा, जन और विश दो शब्द आए थे। जन का अर्थ आदमी, पद माने जहाँ बसने की जगह हो, ठीक है। अब पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा प्रमुख स्थान है। खुदाई से पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, में कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे, जिन्हें कुछ में प्रस्तर में विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। नाम से स्पष्ट है इन बर्तनों में चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं या ज्यामितीय आकृतियों के रूप में होते हैं। ऊपर बना हुआ है चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्रों में ज़्यादातर थालियाँ कटोरियाँ ही मिली हैं। ये पात बहुत ही पतली सतह के सुंदर और चिकने हैं। शायद इनका प्रयोग खास मौके पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन कराने के लिए होता था। ये बना हुआ है महाजनपद आ गया, ठीक। कई 250 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। जो अधिक महत्वपूर्ण हो गए महा हो गए, बड़े हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। महाजनपद में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, अर्थात उनके चारों ओर लकड़ी, ईंट और पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि का प्रदर्शन भी करते हैं। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग उच्च क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल द्वार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी।
और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इतिहास पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों के साथ अथक परिश्रम किया होगा, इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे, जिस चीज़ था पहले राजा के पास सेना नहीं थी, लेकिन अब राजा के पास सेना होने लगी। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा था। भाई किला बन गया तो किले के अंदर सेना भी रखने लगी। कुछ भुगतान समझौता आहत सिक्कों के रूप में होता था। सिक्कों के बारे में तुम आगे पढ़ोगे। महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लिखित राजाओं से कुछ प्राधीन है। ये जो चित्र दिया गया है ये कौशाम्बी जिले की दीवार है। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ है। ठीक है, जनपद बन गए, महाजनपद बन गए, किले बन गए और किले के बाद सेना रखने लगे। तो राजा बन गए तो उनका खर्चा भी आ गया। राजा हो गए तो खर्च का भी बन गया। आय तो आय कहाँ से होगी? तो तब दिमाग में कर लगाने की व्यवस्था आई। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों से समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। पहला क्या था? फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया गया, जिसे भाग कहा गया। तरफ 6 भाग में एक भाग राजा का हुआ। ये फसलों पर कर लगाया गया। फिर कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ेगा। वो राज के लिए काम करेगा, ऐसा देगा भी नहीं तो लेगा भी नहीं। पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता है, दूध दही कुछ देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना होता था। आखिर को संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी, जंगल से क्या उसमें देना पड़ता था। ठीक है, अब कृषि में परिवर्तन क्या है? इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन की लकड़ी फाल की तुलना लोहे के फाल से आसानी से जोता जा रहा। जो पहले लकड़ी से जोत रहे थे अब लोहे से जोतने लगे। तब हाल लकड़ी का था, जो फाल लगी होती थी जो नुकीला हिस्सा वो लोहे का था। इससे फसलों की उपज बढ़ी। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसका पोषण शुरू कर दिया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी पैदा होने लगी। में कमर थोड़ा परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दासी तथा भूमिहीन खेतर मजदूर करते थे। पहले जनपद हुआ, फिर जनपद जब काफ़ी प्रतिष्ठा पड़ा तो फिर फेमस हो गया और अपना साम्राज्य बढ़ा लिया, तो वो महाजनपद हो गया। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मगध, लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। पहले जन पीछे पढ़ा हमने कि दो शब्द हुए, जन और विश्व। विश्व से वैश्य बने और जन से आदि बना। जन जब एक जगह रहने लगे तो जनपद हो गया, उनके रहने का स्थान जनपद हो गया। जब जनपद काफ़ी फेमस हो गया, उनका विस्तार हो गया धन संपदा में और क्षेत्रफल में, तो उसको महाजनपद बोला गया। कि जो है मगध महाजनपद है। जो दो ग्रंथ हुए, बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र, इनके अनुसार 16 महाजनपद हुए। यहाँ पर एक है मगध, उसका वर्णन हो रहा है। यह वर्तमान बिहार का जो गंगा का दक्षिणी भाग है, ठीक है, ये मगध क्षेत्र में आता था। वर्तमान बिहार में जो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है वो मगध है। इसके अंतर्गत पटना, गया, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद आते थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी, लेकिन जो केंद्र बिंदु था वो राजगृह और पाटलिपुत्र दो थे।
स्थान देख दिया हुआ है। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ था। इन जंगलों में हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। बिहार जो प्राचीन बिहार था वो आपका झारखंड छत्तीसगढ़ तक था, ठीक है, तो वहाँ से हाथी पकड़ लाए थे जो सेना में प्रशिक्षण देकर उन्हें शामिल किया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ, तरस बनाने के लिए लकड़ियाँ मिलती थी। इसके अलावा क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें थी। आपको मालूम है प्राचीन समय में जो हथियार बनते थे, आज भी बनते हैं, वो ज़्यादातर लोहे के बने होते हैं, ठीक, लोहा लगता है। तो चूंकि वहाँ पर खदानें भी थी, लौह अयस्क भी था, इसलिए ये महाजनपद और विकास करता गया। मगध में दो बहुत सफल राजा हुए, एक बिम्बिसार, एक अज्ञातशत्रु। अज्ञातशत्रु हुए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे, ठीक है। जो मगध है, मगध में जो 16 महाजनपदों में एक है, इसका स्थापना की थी बृहदत्त वंश ने, जो साम्राज्य की स्थापना, मगध वंश की स्थापना की बृहदत्त वंश ने, अंतर का, ठीक है। बृहदत्त के पुत्र हुए जरासंध, जिनका महाभारत में उल्लेख है, ठीक है। उनका जरासंध के बाद जरासंध के पुत्र सहदेव हुआ, सहदेव से रिपुंजय हुआ, इनका बृहदत्त वंश का अंतिम शासक रिपुंजय था। और स्थापना किसने की, बृहदत्त के पुत्र जरासंध हुए, ठीक। बृहदत्त के पिता का नाम चेदी राम बसु था। और 16 महाजनपदों का कहाँ मिलता है, बौद्ध ग्रंथ का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, और जैन धर्म का ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। देखिए, महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण में क्षेत्र में इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मध की राजधानी बनी रही, जो पहले पाटलिपुत्र राजधानी थी, ठीक है। उसके बाद बिम्बिसार राजा हो गए। बिम्बिसार ने दो काम किए, एक तो राजधानी बदली, कौन क्या कर दी, दल के राजगृह कर दी, जो राजकीय वर्तमान में है, ठीक। और इन्होंने परमानेंट सेना रखना शुरू किया, अस्थाई सेना बिम्बिसार से पहले भारतीय राजाओं में रखना शुरू किया, ठीक है। 23 साल पहले की बात है, मेसोपोटामिया का एक राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय महाद्वीप ब्यास नदी किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच किया, चाहते सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि मगध के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। उस समय मगध बहुत ही ताकतवर था, मगध की सेना अजय मानी गई थी, इसलिए वहाँ के सैनिक डर रहे थे। उनका बृहदत्त वंश का शासन खत्म हुआ तो वहाँ पर शासन हुआ वज्र का, जिसे तुमने ऊपर पढ़ा है। मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, इसके नज़दीक ही वज्र राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ थे, छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर गण बनाते हैं। गण या संघ में कई शासक होते थे, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक पुत्र राजा बनता था। तब सभी लोग राजा हैं, कई लोग राजा बन गए, सभी लोग मिलजुल चला रहे हैं। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपर्क करते थे, सभाओं में बैठकर बातचीत और वाद विवाद के जरिए तय करते थे और किस तरह कार्य करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कर्मकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध और महावीर तो आगे धर्म प्रभु दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। बिम्बिसार ने स्थायी सेना रखी, तब बिम्बिसार ने राजधानी पाटलिपुत्र से कहा क्या राजगृह, स्त्रियों को था दास भाव मानते, कर्मकार को तुम हिस्सा नहीं लेता था। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत सजीव वर्णन मिलता है, ठीक है। नहीं करेंगे थोड़े बंदर नहीं बनाएंगे, तो रखाव करेंगे, भी मतालंबी क्या कोई रोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, इसके बाद उनका राज्य
अब से लगभग 1500 साल पहले से चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर अपने राज्य में शामिल कर लिया। तुम आगे पढ़ोगे।